नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। दोस्तों, यदि आप अनिद्रा के शिकार हैं, यानी कि आपको अगर नींद नहीं आती है या केवल 2-3 घंटे की नींद आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती है और सारी रात आप बिस्तर में करवटें बदलते हुए बिताते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नींद नहीं आने की बीमारी आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि लाखों रुपयों की नींद की गोलियां हर वर्ष बिकती हैं। दोस्तों, इन दवाइयों से दो खतरे हैं। एक तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा ये पता नहीं होता है, इससे आपको कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है, और दूसरा कि इसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है जिसकी वजह से बिना दवाई खाए आपको नींद ही नहीं आती है। दोस्तों, आज के इस उपाय में आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आसान से घरेलू उपाय की मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज के उपाय में मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जिसको कि आपको ध्यानपूर्वक देखना है और बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसा कि वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपके मस्तिष्क में है। मस्तिष्क में ये जो आप देख रहे हैं दोनों जो भ्रुकुटी जो होती है, जिसको कि आप भौहें भी बोलते हैं, इसके बीच में जो ये पॉइंट बिल्कुल बीच में, यहाँ पर आपको अपने अंगूठे की सहायता से दबाना है। दोस्तों, 30 सेकेंड्स तक इसको दबाना है। प्रेशर इतना रखेंगे जितना कि आपको लगे कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, उतनी देर तक आपको दबाना है, उसके बाद फिर आपको इसको रिलीज कर देना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपके कान के पास है। कान की जो ये लौ होती है, इससे आप एक अंगुल के आसपास नाप लेंगे तो आपको यहाँ पर एक गड्ढा सा महसूस होगा, इस गड्ढे के पास आपको दबाना है। यहाँ पर भी आपको अपने अंगूठे की सहायता से प्रेस करना है, यहाँ भी आप 30 सेकेंड्स तक प्रेस करेंगे। दोस्तों, ऐसा आपको दोनों कानों के पास करना है, लेफ्ट और राइट दोनों में। अब दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपकी हथेली में है। हथेली में जो ये अंगूठा है और ये जो आपकी तर्जनी उंगली है, इसके बीच का जो ये मांसल भाग है, इस भाग पर दोस्तों आपको अपने अंगूठे की सहायता से 30 सेकेंड्स तक यहाँ भी प्रेस करना है। दोस्तों, इसको प्रेशर को ध्यान रखेंगे, प्रेशर आपको जितना लगे कि मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा उतना ही लगाना है, और यहाँ पर भी आपको 30 सेकेंड्स तक प्रेस करना है। चौथा पॉइंट दोस्तों आपकी कलाई के पास है। कलाई में जो ये छोटी वाली उंगली है, इससे बिल्कुल जो मणिबंद होता है उससे बिल्कुल नज़दीक में, बिल्कुल इसी के पास जहाँ पर वीडियो में बता रहा हूँ, बिल्कुल यहीं पर आपको अपने अंगूठे की सहायता से प्रेस करना है। यहाँ पर भी आपको 30 सेकेंड्स तक प्रेस करना है। दोस्तों, ऐसा आपको दोनों हाथों में करना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। दोस्तों, यही 4 पॉइंट है जहाँ पर कि आपको इसको प्रेस करना है और 30 सेकेंड्स तक शुरुआत में प्रेस करना है, और बाद में आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1-1.5 मिनट तक ले जाएंगे। दोस्तों, इसको करके देखिए, इससे आपको तुरंत ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, खासकर रात में सोने से पहले आपको ये उपचार अवश्य लेना चाहिए। साथ ही शाम का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कर लें, और उसके बाद कुछ समय के बाद 1-1.5 मील आप पैदल चल सकते हैं, जिस और चलने का अगर आप इस तरह से रखेंगे अपना शेड्यूल तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। संभव हो तो रात में सोने से पहले गर्म पानी से स्नान कर लें। ठंड के मौसम में ऐसे भी गर्म पानी से स्नान करना अच्छा होता है, तो उसको स्नान कर लें तो आपको उससे भी नींद अच्छी आएगी। बिस्तर पर लेटने के बाद आप चाहें तो 10 मिनट का श्वासन कर सकते हैं। दोस्तों, नींद आएगी या नहीं आएगी इस बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप सोचने से आपका मानसिक तनाव बढ़ता है और फिर नींद नहीं आने लगती है। नींद आएगी या नहीं आएगी इसको सोचने से अच्छा है कि आप कुछ पढ़ने की आदत डालिए। जब तक कि आपको नींद ना आए तब तक आप कुछ पढ़ने का प्रयास करें, कुछ किताबें कुछ कहानियाँ पढ़ने की आदत डालें। दोस्तों, ये थे कुछ उपाय और कुछ तरीके जिसकी मदद से आप नींद नहीं आने की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो या दोस्तों संबंधियों में इसको शेयर करें, ताकि अगर यदि वो भी इन समस्या से पीड़ित हों तो उनको भी
इसमें लाभ प्राप्त हो। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नए नुस्खे, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।